हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हूँ आजकल बद्रीधाम की यात्रा पर। और बद्रीधाम जाने से पहले मैंने आप सभी को जोशी मठ में नरसिंह महाराज जी के दर्शन कराए और साथ ही मैंने वहाँ के मंदिर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई। तो दोस्तों, नरसिंह महाराज जी के दर्शन के बाद, तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं बद्री विशाल के लिए और मेरे साथ सही बोलेंगे जय बद्री विशाल की जय। और तो गाइज सामने देखो हिमालय वगैरह दिख रहा है आपको और थोड़ा सा मैं गाड़ी हल कर लेता हूँ और पूरा अभी देखो भाई सामने बर्फ की चादर आप देख सकते हो और सुबह का मौसम है तो हल्का फुल्का ठंडा भी हो रहा है। तो गाइज चलता है आएगी और आपको मैं ऐसी नज़ारा दिखाने वाला हूँ आज, तो भैया पूरा व्लॉग में बने रहना मेरे। ये रोड धसी हुई है। तो गाइस अभी आप देख रहे हो आने वाले को ट्रक जा रहा है, अभी इसमें है तो वगैरह जा रही है भाई, आप देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों क्या मस्त नज़ारा है। पूरा पहाड़ लैंडस्लाइड हो रहा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और इसी तरीके से इसी कारण से जोशी मठ की जो ज़मीन है वो धस रही है लगातार। आज के ट्रैक कर रहे हैं अभी के अनिल भाई। ये देखिए दोस्तों, ये पहाड़ों में जो ये काले काले निशान दिख रहे हैं आपको, ये शिलाजीत है, ये शिलाजीत टपकता है इसमें से। ये देखिए दोस्तों, इतने डेंजर जोन पहाड़ों के बीच में, आप देखो भाई खतरनाक रास्तों के बीच से होते हुए जा रहे हैं दोस्तों। ऐसा नज़ारा तो आपको उत्तराखंड में ही मिलेगा। और गाइस जितना आपको देखने में मज़ा आ रहा है उतना ज़्यादा रिस्क भी है चीज़ें, और यहाँ पत्थर लगातार गिरते रहते हैं। इधर रोड वगैरह भी नहीं है, इधर तो कहीं कहीं पर बीच में आधी रोड ही है एक गाड़ी का लाइक। और रास्ता देखो भयंकर कितना खतरनाक हो रहा है। अब देखो भाई देखो आप, पहाड़ देखो भाई कैसे हो रहा है। और ये देखो गाइस पूरी पूरा पहाड़ आ रहा है नीचे, इधर भयंकर। गाइस देख रहे हो आप कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं बद्रीनाथ के नगर पंचायत में, जो है हमने प्रवेश कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो है टोल टैक्स कट रहा है, यहाँ पर जाने का और ऊपर दे सकता है भाई फर्क दे रहा है। तो
तो गाइस हमने बद्रीनाथ में प्रवेश कर लिया है, तो हम जा रहे हैं आई की ओर। और यहाँ पर जो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ और हमने गाड़ी वगैरह लगा दी है, यहाँ पर पार्क वगैरह कर दी है। आप देख सकते हो कोई छोटी बर्फ़ वगैरह पड़ी है और ऊपर से कोहरा वगैरह भी लगा है और मौसम वगैरह भी थोड़ा तो बादल वगैरह हैं, ऊपर कोहरा वगैरह आप देख सकते हैं। और उधर से भाई यहाँ ठंडा हो रहा बड़ा भयंकर वाला। मैं तो अपनी पूरी व्यवस्था ना पहले रख के आएगा, फूड वगैरह लेके आया हूँ पहले ही। चलते हैं हम आगे की ओर, एकदम बड़ा मज़ा आ रहा है इधर को, ठंडा तो हो रहा लेकिन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और अभी आप देख सकते हो सामने देख रही आप हिमालय। तो दोस्तों बात करूँ यहाँ के रोड की, तो यहाँ का रोड वगैरह तो ठीक ही है और जोशीमठ तक का तो मुझे रोड ठीक ठाक लगा, लेकिन जोशीमठ के बाद थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत परेशानी हो रही थी आने पे। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी अभी जो आपका विकास कार्य है यहाँ पर अभी डेवलपमेंट की ओर है यहाँ पर, और आने वाले टाइम में यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी सुविधाएं देखने को मिलेंगी यहाँ पर, ताकि किसी यात्री को कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। और गाइस बद्रीनाथ में कदम रखते ही ना गाइस पॉजिटिव वाइब्स आनी स्टार्ट हो गई है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे अंदर से। और देखो क्या ही बढ़िया लग रहा है, आप देखो सही, आपको मैं एक 360 भी दिखाता हूँ यहाँ पर से कैसा। चलते हैं आई की ओर। और गाइज यहाँ पर ना सुबह 4 बजे से दर्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो आरती वगैरह का समय है वो कम से कम 6 से 7 बजे तक का यहाँ पर समय रहता है। दोस्तों हम पहुँचे हैं और यहाँ पर आपको ना गाइज सारी व्यवस्था देखने को मिलेगी, यहाँ पर हर प्रकार की दुकान यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। मुझे लग रहा है मंदिर जाने वाले टोका लेके आइए। कहाँ से? हम मैं दिखाने वाला हूँ आपको बद्रीनाथ। तो ये देखो गाइस सामने देखो आप, तो कैसे अभी आप भीड़ वगैरह देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही है। तो एक बार मेरे साथ से ये बोलेंगे जय बद्रीनाथ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने कितनी ज़्यादा भीड़ है और कितना ही बढ़िया लग रहा है यहाँ से, शानदार व्यू एकदम। तो गाइस सच में कहूँ ना रहा नहीं जा रहा, फटाफट मेरा मन कर रहा है कि दौड़ लगा के चले जाऊँ और बद्री विशाल के दर्शन कर लूँ आज, लेकिन चल रहे हैं भीड़ वगैरह भी यहाँ पर अभी लग चुके सुबह से ही। और देखो बेचारे ठंडे में यहाँ पर सब तो गए जो अभी भीड़ देख रहा है नीचे, यह है कुंड और यहाँ पर अभी हम स्नान वगैरह करने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ से स्नान करने के बाद हम करेंगे भाई बद्री विशाल के दर्शन। तो भाई अभी ठंडा हो रहा है, अभी हमें करना है स्नान भाई। बढ़िया सर
फिलहाल तो हमने शूज वगैरह उतार दिया है और पैरों में लग रहा है ठंडा भाई साफ, बहुत ठंडा लग रहा भाई, मजा आ गया पैरों में तो। गाइस यहां देखो, यहां देखो गाइस पिंडे में संस्थान कर रहे तो भाई हम भी चल रहे हैं। तो गाइस इतने ठंडे के मौसम में यहाँ पर गर्म कुंड है और यहाँ पर गर्म पानी आता है, तो यहाँ पर अभी हम नहाएंगे पानी और अपने बता ले सब कपड़े वगैरह अभी नहाने वाले हम लोग। पापा भैया चले गए कुंड में आराम से बैठ के, चला बैठ के रहो भैया, निकलो भैया। यहाँ पर चारों तरफ हिमालय वगैरह है और यहाँ पर जो बीच में यहाँ पर गर्म पानी आता है और ये नेचुरली है गाइस, और ऐसे ही कहते हैं भाई भक्ति में शक्ति है। और हमारे दादा मिल गया हमें मोहाली के घोड़ा खाल के, क्या पैर रखते हैं तो गर्म हो रहा ना, गर्म लग रहा है वहाँ पर पूजा करने बंदी की। तो यहाँ पर से जो है एक गर्म कुंड का पानी आ रहा है और फिर कुंड में यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पर से जो मेन पानी है वो आ रहा है गर्म पानी है। गरम पानी है, कैसा लगा आगे ना बचाओ। तो दोस्तों हमने तो नहा लिया है, अब है यहाँ पर जो है यहाँ जो कुंड है ये महिलाओं के लिए है, तो यहाँ अभी मम्मी लोग वगैरह जाएंगे नहाने, तो अभी हम चलते हैं आई की ओर, फिर करेंगे हम दर्शन भाई। और मज़ा ही आ गया भाई, क्या ही मज़ा आया भाई नहाने में। तो वैसे भी आप देख सकते हो भाई कितनी लंबी लाइन लगी इधर, खतरनाक लाइन लग रही है भाई। और गाइस लाइन दे सकते हो आप भाई, वहाँ से मंदिर है, वहाँ मंदिर है और यहाँ से लाइन है। तो दोस्तों अभी हम लग चुके हैं लाइन पे और पापा लोग तो आगे चले गए। अभी देखो वहाँ है मंदिर, तो यहाँ देखो आप इसकी लाइन लगी है, अभी हम यहाँ खड़े हैं लाइन में, तो उसके बाद हम जाएंगे देर बढ़ रहे भाई आएगी। तो दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं पर टावर में, और अभी मैं दिखाता हूँ आपको मेरे पीछे भीड़ थी। शायद ये टावर इसलिए बनाया होगा कि यहाँ से एक बढ़िया सा दर्शन हो सके। तो
फाइनली गाइस आधे एक घंटा वेटिंग करने के बाद हम पहुंच चुके हैं भाई बद्री विशाल मंदिर के वहां पर। आप तो भीड़ देखो भाई कितनी खतरनाक भीड़ हो गई भाई। हम मौसम वगैरह भी होगी तब क्या होगा पहुँच गए मंदिर चलो आप चलो आगे ना तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए भाई बद्री विशाल के दर्शन करने। गाइस आप भीड़ देख रहे हो भीड़ बहन का। तो गाइस यहां से कैमरा वगैरह बन गया। तो गाइस मेन मंदिर हुआ है तो अभी हम वहां जाना है। और अभी आप भीड़ वगैरह देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ लग रही है। और मेरे पीछे देखो भाई ओ प्रेम दा स्टार्टिंग हो चुकी है। मौसम वगैरह खराब हुआ ऊपर से खतरनाक भीड़ हो रही भयंकर भीड़ भाई साहब। और दर्शन कर लिया हमने दो या तीन घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली। और भाई इतनी भीड़ ना इतनी धक्का मुक्की भाई इसके अंदर है बताऊँ। और अभी देखो गाइस यहाँ पर बर्फ वगैरह पड़ने की स्टार्ट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं मेरे बाल में बर्फ वगैरह। हाँ ब्रो हाँ ये देखो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। ओए यहाँ पर सब फोटो लेना है वैसे। तो दोस्तों अभी आप जो देख रहे हो यह है नर और नैना। तो दोस्तों अभी हमने बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद हम आए हैं भाई नीचे को। आप पैन उनके पीछे रहो ये
कागज नहीं हो सकता। और दोस्तों आई होप कि आपको मेरे साथ अच्छा लगा होगा बद्री विशाल के दर्शन करने में, और काफी बढ़िया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ लग रही है, और अभी लगातार देख सकते हैं भैया पूरा जो प्रांगण है खचाखच भर चुका है। और यहाँ देखो भाई भीड़ देखो आप, गजब की भीड़ लगी है इधर। तो दोस्तों थोड़ा धक्का मुक्की करके दर्शन तो हो गया बढ़िया तरीके से। और अभी मैं बताता हूँ गाइस, जो आप देख रहे हैं नदी, ये है अलकनंदा नदी, यहाँ से बह रही है बद्रीनाथ से। और सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है, यह है नर पहाड़, और यहाँ है नारायण पहाड़, और जहाँ ये नर पहाड़ है यहाँ नर भगवान जी ने तपस्या की थी। और इधर इस जस्ट के बगल में यहाँ पर की, यहाँ पर नारायण भगवान जी ने जो है तपस्या की थी। तो यहाँ पर इन दो पहाड़ों का नाम है नर और नारायण पहाड़ है। और गाइज हम अब चलते हैं आगे की ओर। गाइज हम फाइनली दर्शन कर चुके हैं, अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। और इसके बाद हम जाने वाले हैं भाई इंडिया के बॉर्डर में, जहां हम कहते हैं भाई इंडिया फर्स्ट प्लेस माणा गाँव। तो अभी हम वहाँ को जा रहे हैं, तो हमारा जो सफ़र है वो जारी रहेगा। तो आप मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। भीड़ बढ़ती जा रही है।